Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we will discuss the chapter 4 of SCERT class 12 Kerala board anthropology book. So let's get started with the unit 4 medical anthropology. अब हम पढ़ेंगे मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है. तो ये मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी को सबसे बड़ी बात समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक सब ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी की, जो फोकस क्या करती है, वो समझाती है रिलेशनशिप, जैसे कि हम इंसानों के हेल्थ इलनेस और कल्चर, ये तीनों कैसे इंटर रिलेटेड है. ये तीन स्पेयर की बात करेगी, हेल्थ इलनेस एंड कल्चर. बिकॉज जब भी कोई भी आप थ्योरी बनाएंगे तो वो अब इसमें ऑब्वियसली एक इंसान है, देन दे वी हैव सो मेनी हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड वाइड है, तो वो कुछ कल्चर से आ रही है, कुछ ह्यूमन बॉडी से है. सो हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. नाउ इन दिस सेक्शन वी विल ऑल्सो डील विद व्हाट इज द स्कोप ऑफ मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी. दोज हु वॉन्टेड टू अप्रोच दिस, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो क्या है. तो बेसिकली ये क्या एग्जामिन करते हैं, ये बायोलॉजिकल और कल्चरल आस्पेक्ट एग्जामिन करेंगे फॉर द मेडिकल लीगल मेडिकल सोशल एंड द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स. देन वी विल ऑल्सो फाइंड इट कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश की है. देन इन क्लास वी विल टर्न अराउंड कंसेप्ट जो है हेल्थ का या डिजीज का या इलनेस का, वो कहीं ना कहीं कुछ कल्चर स्पेसिफिक है और वी हैव सर्टन मेडिकेशंस, उसका जो इलाज है वो भी कल्चर स्पेसिफिक डेवलप होता है. बट बिफोर वी विल मूव, देयर इज वन मोर स्पेशल थिंग फॉर यू गाइस. एक और आपके लिए एक स्पेशल चीज आ जाती है, हम 1000 क्वेश्चंस फॉर मेंस जो आपकी यूपीएससी के आते हैं सिर्फ 149 रुपीस में आपको सारी कंपाइल्ड बुक मिलेगी. पूरे अभी तक 2022 की इवन मेंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रॉपर, जो आप ये पीवाईक्यूज हैं टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं. और आप देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी बात, इसकी सबसे जो आपकी सबसे खासियत है कि दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आल्सो. सो 1985 से 2023 तक entire list of questions, not only that, even they are arranged topic wise. So let's get started with this. और आपको इसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके सिंपली एक्सेस कर सकते हैं. द नेक्स्ट एक और किताब आ जाती है 999999, आपके प्लस एंथ्रोपोलॉजी के MCQs हैं इसमें. सो यू आर द फर्स्ट एवर यू आर गोइंग टू गेट द एक्सटेंट फॉर दिस. आप देखेंगे इसमें 1000 क्वेश्चंस हैं, ठीक है. एंड अगेन दिस इज आल्सो कॉस्ट द सेम 149 रुपीस. सो लाइक सम ऑफ द पीपल, अगर हम देखें जापान में, तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ गोथन. यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको लाइफ में अपनी बॉडी की प्रॉपर मेंटेन रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कानों में छेद करवाना पड़ेगा. सो समवेयर इट्स समवेयर पियर्सिंग करनी पड़ेगी. सो नाउ दैट समवेयर अगेन अ रिचुअल, बट रिचुअल के साथ देखेंगे कि आपको एक स्पेसिफिक बॉडी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है. तो देन अगर कोई प्रिंस है तो क्या होता था वहाँ पे कि जिससे भी वो शादी करना चाहता था तो क्राइटेरिया क्या होता था कि जो लड़की होगी उसके कानों में छेद नहीं होगा. सो दैट इज क्यों, क्योंकि माना जाता था कि जो उसकी इंटैक्टनेस है जो बॉडी के अंदर, कि वो इंटैक्ट बॉडी जो है वही रीबर्थ हो पाएगी, उसी का ही दोबारा जन्म होगा. तो गतई अगर कानों में छेद हो गया आपके तो आपको रीबर्थ नहीं होगा. सो अगर आपकी सर्जरी है आप वो नहीं करवाना चाहेंगे, इज द वे दिस पिक्चर इलस्ट्रेशन. तो ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि ऐसे ही रिलेशनशिप हेल्थ एंड कल्चर सोसाइटी में हो रहे थे. ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं. तो मेडिकल जो एंथ्रोपोलॉजी है वो फोकस क्या करती है, एक बिहेवियर जो बताते हैं कि कैसे सोशल वैल्यूज एंड सोशल रिलेशंस रिलेट करते हैं. ये बताती है कि कैसे जो हेल्थ इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो शेप क्या करते हैं ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर और कंटेक्स्ट, ह्यूमन की सोसाइटी को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, इनके कल्चर को, और इनके किस तरीके का वो कंटेक्स्ट डेवलप कर रहे हैं. Now let's start an understanding health, disease and culture. हम समझते हैं health क्या है, disease क्या है, culture क्या है. तो health, disease and illness जो concept है वो हर culture में अलग अलग समझ में आएंगे आपको. जो definition है इसकी देखिए तो health is a state of being happy, healthy and prosperous. जब खुश हो, अच्छे हो और एक proper state of mind है तब that is somewhere health. Then WHO health क्या बताता है, it's a state of complete physical, mental, social well-being.
अब हेल्दी को उसको हम बोलेंगे जब आप पूरा प्रॉपरली आपका आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली आप ठीक हैं, आप सोशल सोसाइटी से आपको कोई उसमें नहीं है, तो आपको हम देख कहते हैं कि कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट कम्स आउट विद एन हेल्दी पर्सन. सो नाउ अब साथ में आपको एक कंसेप्ट आता है डिजीज एंड इलनेस. डिजीज की जब हम बात करें तो हम इसको दो पार्ट में समझ सकते हैं, दिस एंड ईस. ये दो वर्ड से बने हैं, दिस एंड ईस. दिस मीन्स डीज, इट मीन्स नॉट एट ईज. जब आप ईज में नहीं हो, जब आराम से ना बैठे हो, ठीक है. मॉडर्न में हम देखेंगे, मॉडर्न टर्म्स में जो मेडिसिन है या ऑर्गेनिक साइक, आप कुछ भी देखोगे तो डिजीज समथिंग रेफर्स टू अ साइंटिफिकली आइडेंटिफाइड हेल्थ. तो डिजीज क्या है कि हम देखेंगे कि एक साइंटिफिकली आइडेंटिफाइड ऐसा हेल्थ होती है जो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, वायरस एंड पैथोजन को इफेक्ट करती है. डिजीज हमें तब होगी जब कोई हमारे अंदर वायरस आ गया, पैथोजन आ गया, एंड देन वी विल फील कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की कंडीशन को अफेक्ट करती है. इलनेस क्या है उसी तरीके से. डिजीज तो आपको समझ में आ गया कि अब ईज में नहीं, ठीक है. अब इलनेस क्या है, इलनेस आपको हम समझते हैं एक पुअर हेल्थ, जहाँ पे एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं एक कल्चर से बिलोंग करता है, बट वो उसको उसके कल्चर पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, परसेप्शंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, बट वो डिजीज को नहीं समझ पा रहा और वो इलनेस उसी कारण, उस कल्चर स्पेसिफिक होने के कारण वो इमर्ज हो गई. हम बहुत सारे रिसर्चेस देखते हैं जो बताती हैं कैसे परसेप्शंस आती हैं, गुड हेल्थ, बैड हेल्थ, ठीक है. ये इलनेस जो है वो बेसिकली दैट कम्स आउट पुअर हेल्थ. ये में ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल अच्छा नहीं फील कर रहा तो वो इल है. दैट इज वाई जब हम कहते हैं कि अगर कोई किसी को ठंड लग गई है, कोई इसके सर दर्द हो रहा है, तो वो हम इन इंडियंस वी आर नॉट समथिंग एक्सपेक्टेड कि वो कोई इल वो डिजीज है. इट्स एन इलनेस, क्योंकि वो हमारे कल्चर में ऐसा है. सो अगेन इट वेरी, कुछ ऐसी डिजीज होंगी जो कल्चर टू कल्चर वेरी होंगी. दैट इज समवेयर वी विल सी डिजीज एंड इलनेस डिफरेंशिएट्स. सो देयर सर्टेन रिलेशनशिप अमंग कल्चर, हेल्थ एंड डिजीज. आपको समझना पड़ेगा कि तीनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेट है. कि कल्चर की जब हम बात करते हैं तो कंसेप्ट जो है हेल्थ का एंड डिजीज का, वो कहीं ना कहीं किससे इन्फ्लुएंस है, कल्चर से. हेल्थ और डिजीज जो है कि आप हेल्दी होंगे या बीमार होंगे तो वो आपके कल्चर में कैसा है, क्यों, क्योंकि जैसा आप परसेप्शन करेंगे. अब देखो कान में छेद करना कुछ नहीं मैटर करता फॉर इंडियंस, बट दे आर सर्टन थ्योरीज इन द जापान इट सेल्फ. सो इट्स एन कम्प्लेक्स एंड मल्टी फैक्टर, बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजन से तो हमें पता है कि फिजिकली हो रहा है मेलनेस, पर एक कल्चरली भी हमारे अंदर कुछ ऐसी देखते हैं डिजीज हो रही है. सबसे पहली बात जब हमने बात की थी डिजीज जो आप ईज में नहीं हो, दैट इज एन अगेन फिजिकल डिजॉर्शन, वो तो डिजीज हो गया. बट इलनेस इज समवेयर प्रोडक्ट ऑफ द कल्चर इटसेल्फ. इलनेस क्या होता है, इलनेस एक कंडीशन है पुअर हेल्थ की, जहाँ पे इंडिविजुअल को वो एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करता है, बट उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब बेसिकली इलनेस क्या है, जब वो कल्चर स्पेसिफिक परसेप्शन है या एक्सपीरियंसेस है, वो आपकी यूनिवर्सल नहीं है, वो सबको नहीं हो रहे, वो कल्चर स्पेसिफिक है. नो डाउट ऐसी हमने देखा है कि बहुत सारी क्रॉस कल्चर रिसर्चेस होती हैं जो दिखाती हैं कि गुड हेल्थ एंड बैड हेल्थ का कंसेप्ट है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है. जैसे हमने भी हेल्थ एंड डिस्कोर्ड का एग्जाम्पल दिया, तो इलनेस कहीं ना कहीं क्या है, इज अ बहुत बड़ी ब्रॉडर टर्म है जो बात करेगी आपके मूड डिसऑर्डर्स के बारे में, जो बात बताएगी आपको कि कैसे आपकी इनअप्रोप्रिएट थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, और वो ही आपके सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट को बताती है. कि अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं तभी आपकी सोसाइटी एंड कल्चर गलत है. हम कहते हैं ना सोशल लेवल, सब ये सब दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ द इलनेस इटसेल्फ. सो जितने भी मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि डिजीज एंड इलनेस हर कल्चर में डिफरेंट करती जाएगी. तो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल में भी क्या आप बात करेंगे कि वो डिजीज ब्रेन की बात करते हैं, बाकी वो कर देर इज एन इल ब्रेन एंड मेंटल इलनेस अदर द मेंटल डिजीज. सो हर एक चीज की टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है, उसके हम देख रहे हैं मीनिंग कल्चरल अक्रॉस वो डेवलप डिफरेंट होता जाता है. तो यह आप आइलैंडर्स की क्या बात है, इसे वहाँ पे वो क्या कंसिडर करते हैं, जो इंटेस्टाइल में वर्म्स होते हैं, जो कीड़े हो जाते हैं, वो डाइजेशन के लिए नेसेसरी है. तो ठीक है, सो दिस इज समवेयर अगर वो बात किए थे कि इट्स एन अनप्लेजेंट कि आप इसका ट्रीटमेंट लोगे, तो अगेन एवरीबडी हैज देयर ओन कंसेप्ट, एवरीबडी हैज देयर ओन कल्चर्स वेयर वी विल फाइंड दिस डिजीज एंड द मेडिकल इलनेस एज ऑल्सो कमिंग. देन कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज. अब हमने बात किया कि
अभी जैसे एग्जाम्पल्स ये वी विल एक्चुअली डेवलपिंग, हम इसको एक्सटेंड करेंगे हर एक कल्चर की जैसे अपनी बात की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो कुछ कल्चर्स को एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है कि इसको हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, तो वो उसको ट्रीट करना ज़्यादा बेटर प्रेफर करेंगे। उनकी रूटीन एक्टिविटीज़ होंगी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं करेंगे, जैसे जैंस हैं, जैंस नहीं करते, दे हैव अ स्पेसिफिक वेयर प्लेथोरा ऑफ थिंग्स आर देयर। सो हम देखते हैं ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज कंसिडर करती है कि डिजीज को कैसे रेंडर कर पाए। देन देयर इज एन ऑल्सो कंसेप्ट हॉट एंड कोल्ड कंसेप्ट, हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप्स भी आते हैं। लाइक हर एक कल्चर में जैसे जैसे डिजीज डेवलप होती है तो हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप्स का आइडिया आता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कोल्ड, फीवर, हमें रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो रही है, खांसी, जुकाम, इलनेस हो रही है, अल्सर्स, दाने निकल आए, पाइल्स, देन इतनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कई बार हमारी बॉडी टेम्परेचर में हो रही है, या जो भी हमारा एनवायरमेंट है या फूड को भी हम कई बार इस हॉट एंड कोल्ड में क्लासीफाई कर पाते हैं। तो चिकन, कार्डमम, वीट कहीं ना कहीं हम देखते हैं हॉट फूड्स खिलाते हैं, और वाइल्ड आपको देखेंगे मिल्क, पेपर, टी, कर्ड, ये क्या है, कोल्ड फूड्स। तो हॉट एंड कोल्ड फूड्स एंड हॉट एंड कोल्ड कंसेप्ट जो है वो इस टाइम पीरियड पे डेवलप हो रहा था, क्योंकि जैसी आपकी जैसी आपका आप फूड कंज्यूम करेंगे सिमिलरली आपको वैसी ही डिजीज आएंगे। तो वो आपका जोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड कर सकता है एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कल्चरल कंटेक्स्ट एज वेल। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चरल प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस डिजीज, जैसे कि डिजीजेस जो है वो हम जिस तरीके की हमारा कल्चर होगा वैसे ही करेंगे, तो आप देखेंगे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये सब भी आप देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमारा कल्चर चेंज हो गया और हम सबको ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल, देयर डाइटरी हैबिट्स, दिस समवेयर क्रिएटेड अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हमें एंजाइटी होने लग गई है, एनेक्सिया नोवोसा, बुलिमिया। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जैसे कुरू डिजीज होने लग जाती है फोर ट्राइब में, न्यू जुनेया में, जहाँ आप देखेंगे कि वो फ्यूनरल प्रैक्टिसेस के कारण हो रही है। वहाँ पे ब्रेन टिश्यूज जो होते हैं इंडिविजुअल का, वहाँ पे उनकी ऐसी फ्यूनरल प्रैक्टिसेस हैं कि वो कुरूज कंज्यूम कर लेते हैं और उनको वो और फिर वो स्प्रेड होती जाती है। सो समवेयर कल्चर से ही, क्योंकि एक वो स्पेसिफिक कल्चर, एक स्पेसिफिक रूटीन फॉर्म हो रही है, उसी के कारण हम देख रहे हैं वो डिजीज को फैलने का कारण बनता है। नाउ डिजीज एंड डेवलपमेंट, अब डिजीज हो रही है बट वी ऑल्सो सी दैट सर्टन डेवलपमेंट इज ऑल्सो देयर, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स दैट इज एन एमरजेंस ऑफ द इंक्रीज ऑफ सर्टन डिजीज। आप देखेंगे कि कोई डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ती गई, लाइक मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, तो अब हम बताइए मलेरिया क्यों, क्योंकि हमने अपने कल्चर में अपनी मॉडर्नाइजेशन किया, डिफॉरेस्टेशन किया, एग्रीकल्चर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी दैट अल्टीमेटली लेड टू दिस। जैसे कि आप देखोगे बेसिकली कायासनोर फॉरेस्ट डिजीज हम देखते हैं इंडिया में हुई बिकॉज बहुत सारे एग्रीकल्चर वर्कर्स को और कैटल ट्रेंडर्स को जो इस फॉरेस्ट के आसपास रह रहे थे, बिकॉज देयर सो मच डिफॉरेस्टेशन, और उसी चलते बहुत सारी डिजीज हो रही थी। अब मेडिकल प्लूरलिज्म एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो अब मेडिकलिज्म भी, इवन इवन मेडिकल फील्ड भी अपने आप में एक प्लुरालिटी है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लेवल से डेवलप हो रही है, क्योंकि वो देखेगी ना कि जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन होंगी उनका इन्फ्यूज करेगी। तो मेडिकल प्लुरलिज्म का हमारा मतलब होता है जहाँ पे हमारे डिफरेंट मल्टीपल मेडिकल सिस्टम होते हैं एक सोसाइटी में, जैसे एक तरफ आयुर्वेदिक है, देन होम्योपैथिक है, एंड देन एलोपैथिक है। सो इंडिया के भी हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट मेडिकल नॉलेज इस टाइम पीरियड पे हमारी थी, जिसको हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में कैटेगराइज कर सकते हैं। जब हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे तो आप देखेंगे बेसिकली कन्वेंशनल फॉर्म होंगी, इंडिजीनियस टर्म होती है, जहाँ पे फोक कल्चर, एथनो मेडिसिन जैसे आयुर्वेदिक वगैरह डेवलप हो रहा है। तो आप देखेंगे जैसे लिटिल ट्रेडिशनल मेडिसिन होंगी बेसिकली लाइक लोकल हेल्थ बिलीफ्स को मानने के लिए, जो शमन्स होंगे वो होंगे, दीज मेडिकल थिंग्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। तो ये होगी लिटिल ट्रेडिशनल मेडिसिन जो छोटे छोटे लेवल्स पे हो रही है। एक होती है ग्रेट, दैट इज आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सो वो आपका गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है, तो वो बड़ा मैसिव लेवल, जैसे हमारा लिटिल कल्चर एंड ग्रेट ट्रेडिशन था, वैसे वी विल सी दिस लिटिल ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड द ग्रेट ट्रेडिशनल मेडिसिन इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग। जब हम इसी ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, ये प्रैक्टिसेस हैं, ये अप्रोच है, ये नॉलेज है, जहाँ पे कोशिश करती है प्लांट्स, एनिमल, मिनरल्स बेस्ड मेडिसिन को समझना, इनकी स्पिरिचुअल थेरेपीज को करना
और हम देखते हैं फर्दर डायग्नोज करना, डिजीज को खत्म करना और उसको ट्रीट करना. तो अकॉर्डिंग टू हम ये देखते हैं WHO की एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 80% जो है वर्ल्ड में मोर देन 6 बिलियन पीपल कहीं ना कहीं प्राइमरली एनिमल और प्लांट बेस्ड मेडिसिन ही खाते हैं. तो नो डाउट, सो दिस इज समय हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि जितनी भी मेडिकल फील्ड है वो कल्चर से कंटेक्स्ट नहीं डेवलप हो रही, वो उसी के कंटेक्स्ट से डेवलप हो रही है. जब हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करेंगे तो नो डाउट मॉडर्न मेडिसिन इज ऑल्सो नोन एज द बायो मेडिसिन और द वेस्टर्न मेडिसिन. बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज हम कहते हैं कि जो बॉडी है ये डिजीज है, ठीक है, वो मॉडर्न डिजीज पे बनती है. तो आप देखेंगे यूनिफॉर्म पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये एक जैसी चलती है, बट वी हैव समवेयर इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द सोसाइटी एंड द टेक्नोलॉजी. नो डाउट इसका अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो इसके कंपाउंड सर्जरी ये सब हम देख रहे हैं, तो वे वी हैव द मॉडर्न हॉस्पिटल्स, एलोपैथी दैट कम्स अंडर द मॉडर्न मेडिसिन. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम्स इन इंडिया. लेट्स गो, इट्स टू मच. सो आयुर्वेद, आयुर्वेद डेवलप्ड वे बैक 3000 ईयर्स अगो. जो टर्म आता है वो आता है आयुर, आयुर मतलब लाइफ, और वेद, वेद हमें पता है साइंस. वेद इज नॉट समथिंग आपकी किताबें जो आपके ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद, बट वेद जो है वो है आपका साइंस, ठीक है. थ्री दोषास वात पित्त एंड कफ फॉर्म्स द बेस ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. तो जो वात पित्त एंड कफ है वो हम देखते हैं थ्री दोषास को फॉर्म करते हैं, ठीक है. दिस इज द पार्ट ऑफ द आयुर्वेद इटसेल्फ. एंड देन वी हैव अनदर इज होम्योपैथी. होम्योपैथी ये जर्मन फिजिशियंस सैमुअल हैनमैन ने डेवलप की थी. He talked about that the patients can be treated by the highly highly diluted preparation, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ liquids होंगे, basically on the principle of like let likes to be cured by likes, मतलब एक कुछ ऐसे diluted perceptions होंगे उससे हम देख रहे हैं cure की जा रही थी. Then third is Yunani medicine, जो develop की थी ancient Greek medical concept में Hippocrates ने. तो हम देखेंगे ये बेस्ड होती है ह्यूमरल थ्योरी पे, डैम दाम बलगम सफर सौद. जिस तरीके से अर्थ बनी है वो उसी टाइप की यूनानी मेडिसिन को लेके आते हैं. इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जिस तरीके के हम इन्वायरमेंट में वैसे ही हमारा जो है चीजों को इफेक्ट की जाएगी. देन वी हैव अ सिद्ध मेडिसिन. सिद्ध मेडिसिन इज डेवलप्ड बाय द इन साउदर्न इंडिया. जितने भी सिद्धार्थ थे, जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्ट थे, दे गॉट एन अंडरस्टैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी को उन्होंने समझना शुरू किया और बताते हैं कि कैसे कुछ मिनरल्स, कैसे कुछ मेटल्स इस हमारी जो मेडिसिन में होते हैं एंड दे आर एक्चुअली इन्फ्यूजिंग देम. तो ये थियोपैथिक नेचर है कि कैसे तमिल स्पीकिंग रीजन्स में हम इस सिद्ध मेडिसिन का डेवलपमेंट देख रहे हैं. देन देयर इज अनदर इज अ न्यूरोपैथी. न्यूरोपैथी दैट टॉक्स अबाउट द नर्व्स. तो हम बात करते हैं कि एम्फोसिस क्या करता था, कहीं ना कहीं प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड ऑप्टिमल हेल्थ. कहीं ना बिकॉज जब इक्वली हेल्थ में डेवलपमेंट हो रही है, इक्वल चीज़ें हो रही है, दैट्स ऑल्सो कम्स आउट विद इन सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, जहाँ पे आप अपने आप को ठीक करना चाहेंगे. तो हम देखते हैं न्यूरोपैथी समवेयर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर. जब आप जिस तरीके से आपका नेचर है आपका, उस तरीके से आप रहने नशुद्ध हो जाते हो, दैट इज नॉन एज द न्यूरोपैथी. योग, योग इज एन अनदर डिसिप्लिन दैट प्रमोट अ बैलेंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एंड मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल एनर्जी. तो योग जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल पॉस्चर ऐसे करते हैं, मेडिटेट करते हैं, जो आपको सिर्फ फिजिकल क्वालिटी नहीं इंपॉर्टेंस देती बट आपको सोशल स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी हेल्प आउट करती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एथ्नोमेडिसिन. जब हमने इतना कल्चर से रिलेट बात की तो बिलीफ प्रैक्टिस एंड कंट्रास्ट, किस तरीके से जो हमारी एथ्नोमेडिसिन हैं वो अलग होती हैं मॉडर्न मेडिसिन से. जब हम एथ्नोमेडिसिन की बात करेंगे, दे आर द वंस जहाँ पे हेल्थ सिस्टम कहाँ किस चीज पे ग्राउंड होगा, वो इस फैक्ट पे ग्राउंड होता है कि सोशल हिस्टोरिक कल्चर कंटेक्स्ट, जो जैसे भी ऐसे नहीं वो कहिए व्हाट टाइम से उस चीज की डेवलपमेंट हो रही है, सोसाइटी की, कल्चर की, हिस्टोरिकल की हिस्ट्री है उसकी लंबी, देन दैट मैटर्स. तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका एवोल्यूशन है. एथ्नोमेडिसिन अब हम देखेंगे कैसे डिफरेंट होती है मॉडर्न मेडिसिन से. एथ्नोमेडिसिन की पहली बात है फिजिकल कॉजेस. सबसे पहली बात बढ़ेगी IQ. तो एथ्नोमेडिसिन बनी क्योंकि जब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं माने जाना लगा कि हमारी बॉडी इम्प्योर है, वो सब एक अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहेगी तो बीमारी होने की ज्यादा कास्ट है. तो कास्ट रिलेटेड कॉन्टैक्ट आप देखेंगे कि ब्राह्मण शूद्र उनका कंसेप्ट आने लगे, अनटचेबल्स आने लग गया, रिचुअल इम्प्योरिटी आने लग गया,
तो डेथ डिलीवरी आने लगेगी। अब डेथ में जाएंगे तो बहुत सारे वहाँ पे माइक्रोब्स हैं तो वो इफेक्ट करेंगे। देन थर्ड इज इम्प्रॉपर वेदर, बारिशें होंगी या क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम हॉट कोल्ड वेदर्स जो होंगे वो फर्दर एलिमेंट्स को बढ़ाते हैं। देन एट द फोर्थ इवन इम्प्रॉपर फूड, जिस तरीके का हम खाना खा रहे हैं, अगर आप अलग अलग लेवल का आप गलत तरीके से खाना खाएंगे तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं दिस हॉट एंड कोल्ड फूड को इफेक्ट होगा। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिशनर्स इन मैथमेटिक्स। तो स्पेशलिस्ट जैसे कि शमंस, ये बहुत ज़्यादा इंश्योर करते हैं कि कैसे चीज़ों को केयर करा जाए। तो रोज जैसे कि डिवाइनर्स, हर्बलिस्ट, मिडवाइफ्स, स्नेक बाइट हीलर्स, बोन सेटर्स, सो हम देख रहे हैं ना मालिश वाला, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, या झाड़ फूँक करने वाला। सो ये सब कौन है, ये लोग पार्ट होते हैं इस एथनो मेडिसिन के। नाउ एथनो मेडिसिन का डायग्नोसिस, इसमें आपको बीमारी कैसे है तो वो भी हम देख रहे हैं, एक मैजिकल की माना जाता है कि उसके अंदर दैवी है, डिविनिटी है, और वो अपने आप ही समझ जाएगा कि इसको आपको कि क्या तकलीफ है। कोई कहते हैं ना पल्स पढ़ करके आपका देख लेंगे, नर्व्स वाला डॉक्टर आंख को देख के, फेस को देख के आपके सिम्टम्स को समझ पाएंगे। नाउ थिंग्स कम आउट, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है एथनो मेडिसिन में। एथनो मेडिसिन में जैसे हमने बताया कि जैसे उनका वो है तो नो डाउट कोशिश की जाती है कि क्विक रिलीफ दिया जाए। तो जब हम इलनेस की बात कर रहे थे तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जहां हम बात करते हैं कि जैसे कुछ मैजिकल रिलीजियस मैकेनिकल केमिकल प्रोसीजर्स होते थे, एथनो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई थेरेपीज होती है जो आपको क्विक रिलीफ बता देती हैं, हर्बल और केमिकल को मिलकर बन रही हैं। ठीक है, जैसे आपको सर दर्द हुआ तो लोकल नेम हम बोलते हैं थेलावेट, इस समवेयर दिस इज गिवन इन द इरुलर ट्राइब। तो वो क्या कहेंगे, करेंगे एक कोई भी क्रश करेंगे स्टेम को, उसके बाद उसका जूस निकालेंगे, उसके साथ में हल्दी का पेस्ट बनाएंगे और चिप दे देंगे। सो दिस इज समवेयर, एक पूरा टेबल का कोई डिटेल में दिया गया है दैट यू कैन कम। नाउ देयर सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स आल्सो इन एथनो मेडिसिन, जैसे ये क्या करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही तबियत बिगड़ने से पहले अपना ध्यान शुरू कर लीजिए, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स, आप स्टीम बात लीजिए, आप कुछ पहले ही अपनी मसाज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स कराइए, सीजनल फूड ट्रीटमेंट पैटर्न्स कि देखिए कि कौन सा जिस मौसम का खाना है वही खाइए, प्रेयर्स ऑफरिंग्स ग्रैटिट्यूड ऑफर करिए। सो विद दैट हम देखते हैं एथनो मेडिसिन बहुत बेटर हो जाती है। नाउ दे आर सर्टन स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी एज वेल, जैसे क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्लिनिकल ग्रांटोलॉजी, कल्चरल साइकियाट्री एंड न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी। जब हम क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो ये समझाती है कि रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ केयर सिस्टम एंड डोमिनेंट सोशल पैटर्न, कि कैसा जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, जिस तरीके का हेल्थ केयर सिस्टम है और जिस तरीके का आपका सोशल पैटर्न है, वो दोनों किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिटिकली आप जब चीज़ों को देख रहे हो कि कुछ जो इश्यूज हैं वो कारण बन रहे हैं सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रूट्स, जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ हेजोमनिक हमारी आइडियोलॉजीज हो जाती हैं, वही हमारा कारण बन जाती है हेल्थ और इलनेस का। सेकेंडली क्लिनिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्लिनिकल में आप देखेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, ये हेल्थ केयर क्या प्रोवाइडर कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग बने एक लोकल कल्चर में, तो वो उसी कल्चर से आए जहाँ पे वो उनको समझ पाता हो। अगर वो कहीं अगर कोई आपको वेस्टर्न स्पेसिफिक डॉक्टर होगा वो आपको समझ ही नहीं पाएगा आपने किस पहला ट्रीटमेंट कैसे लिया था, कैसी चीज़ों को आप डील करते हो। देन थर्ड इज ग्रैंटनोलॉजी, ग्रैंटनोलॉजी बेसिकली बायोमेडिकल डिजीज है जो बात करती है कि कैसे एजिंग और बूढ़े होने से आपकी कुछ साइकोलॉजिकल सोशल चेंजेस है दैट कम्स आउट विद एजिंग, और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये और भी चीज़ें वो इस एक्सपेक्टेशंस के साथ आती चलती हैं। देन देयर इज अ फोर्थ इज अ कल्चरल साइकैट्री, कल्चरल साइकैट्री हम देखते हैं इट्स बेसिकली रिलेटेड क्लोजली विद इन एथनो मेडिसिन, और ये बताता है कि कैसे हम मेंटल डिसऑर्डर्स और स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं। लाइक आप देखेंगे कुछ कल्चरल बाउंड सिंड्रोम है, कुछ फोक इलनेस है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये वेस्टर्न डायग्नोस्टिक कैटेगरीज हैं। सो दिस समवेयर कम्स आउट विद इन कल्चरल साइकेट्री, वेयर कल्चर नॉलेज जो है, कल्चर पे आपको एक नॉलेज जरूरी है उसको एड्रेस करने के लिए। देन न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी, न्यूट्रल एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये रिलेशन इंटर रिलेशनशिप को समझता है आपका इकोनॉमिक सिस्टम, न्यूट्रिशनल सेटर्स, फूड
फूड सिक्योरिटी, इन तीनों को तो ये हाईलाइट करता है कि कितना जरूरी है कि हमारे लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन होना हमारे फिजिकल वेलबींग के लिए, और वो कहीं ना कहीं क्या इम्पैक्ट करेगा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सब चीजें, ये नहीं कि एक अच्छा खाओगे तभी तो आप उसको अच्छा सस्टेन कर सकते हो। With this, our chapter ends. Thank you so much for watching this video. I would like to remind you once again about this ebook. This is going to be very helpful in your preparation journey. आपको अभी से ही previous year question देखना शुरू करना चाहिए, और इस book में आपको chapter wise question मिलेंगे। Topic 1 से आप जैसे start कर रहे हो तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि topic 1 से आज तक जितने भी question पूछे गए हैं वो एक page भी सारे दिए गए। बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए ये डिसाइड करना कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे जाना है, किस अप्रोच से जाना है, कितना फोकस करना है। प्राइस इज जस्ट 149 रुपीज, सो यू कैन जस्ट फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गो फॉर इट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू कैन कनेक्ट अस ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिसपे मैं आपके लिए फ्री PDF, आर्टिकल्स, वीडियो के लिंक्स, लेटेस्ट न्यूज सब कुछ पब्लिश करती रहती हूँ। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @Anthroholic, और यू कैन फॉलो सम इंस्टाग्राम चैनल @Anthroholic फॉर एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।